फतेहाबाद रोड स्थित हेरिटेज अपार्टमेंट जसूरिया इंकलैब के पास पिछले कई सालों से लोग बदहाल भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। सीवर की कनेक्टिविटी न होने के चलते अपार्टमेंट के अंदर ही सीवर का पानी भर जाता है, जिसके चलते अपार्टमेंट के लोगों पर डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। फतेहाबाद रोड स्थित हेरिटेज अपार्टमेंट जरोसिया इनक्लेव के निवासी पिछले कई वर्षों से बदहाली की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। सीवर की कनेक्टिविटी ना होने के कारण अपार्टमेंट के अंदर ही सीवर का पानी भर जाता है, जिससे वहां रहने वालों की परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं। अपार्टमेंट के निवासियों का कहना है कि उनके अपार्टमेंट में न केवल उनकी खुद की सीवर की समस्या है, बल्कि पास में बनी बिल्डिंग का भी सीवर उनके अपार्टमेंट में भर जाता है। इस स्थिति में अपार्टमेंट के निवासियों को डेंगू मलेरिया जैसी घातक बीमारियों के खतरे में डाल दिया है। समस्या सर यही है कि जब से ये स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, तो कुछ उन्होंने बाहर जो हमारे पाइपलाइन है, पहले जो मेन रोड की सीवेज लाइन थी उससे प्रॉपर कनेक्टिविटी थी। उससे पहले 10-15 साल से तो दिक्कत थी, लेकिन बाद में उन्होंने बाहर की जो मेन रोड की सीवेज लाइन है उसकी गहराई ज़्यादा कर दी थी, तो हमारे लेवल में आ गई थी वो। अब जब से स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट हुआ, तो उन्होंने अंदर से उसकी कनेक्शन जो था वो ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। उसके बाद से सारा जितना भी हमारा वेस्टेज है, हमारा अपना तो ठीक है, पीछे से जितने भी घरों का, सोसाइटीज़ का जितना भी आता है वो बाहर जाता नहीं, उस तरफ जाता नहीं, मेन उसमें सीवेज लाइन में मिलता नहीं, वो सारा हमारे यहाँ बैकफ्लो होता। ये कॉमर्शियल जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, इन लोगों को भी मैंने कई बार बोला है कि भैया आपने पाइपलाइन वगैरह सही करा लो, क्योंकि नीचे भी गंदगी होती है, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं होता। कई बार तो हमने अपने पर्सनल उस पर खर्चे पे कराया है सही। वजह ये है कि यहाँ से 3 साल से समस्या है और ना नगर निगम का कोई सपोर्ट है, ना कोई आता है, ना ईडीए से कोई सपोर्ट मिल रही है। सब अपने आप जो थोड़ा बहुत करा लेते हैं अपने अपने हिसाब से, बस ये है। कोई कैसी भी कोई सपोर्ट नहीं है सरकार की तरफ से, कोई कैसी भी सपोर्ट नहीं। क्षेत्र निवासियों ने बताया कि उन्होंने इस समस्या को कई बार स्थानीय प्रशासन के समक्ष उठाया, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया है। सीवर का पानी भरने के कारण अपार्टमेंट की सड़कों और गलियारों में गंदगी फैली रहती है, जिससे वहां की जिंदगी दूभर हो गई है। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट। आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।